अनमोल स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच लाइफ केयर 11 लखनऊ व कलसी रूपलाल 11 के बीच खेला गया। मैच का शुभारंभ अजयांश महाजन ने रिबन काटकर किया। कलसी रूपलाल 11 ने लखनऊ 11 को 6 विकेट से हराया। कलसी रूपलाल 11 के सैंडी ने 4 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। ये फाइन लास्ट कर दिया, 4 रन मिलेंगे, एक अच्छा ओवर कहा जाएगा। ये 16 रन ओवर से स्कोर बोर्ड पर 58 जा पहुंची है रन संख्या, जबकि ओवर नंबर स्टार स्पिनर बहुत ज्यादा फ्लाइटेड बॉल ड्राइव किया, हालांकि नजदीक में शिवा तो नहीं रोक पाए, पीछे फील्डर मौजूद है, इससे पहले के बॉल को उठाएंगे, एक रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही। शॉट और बाहर, जी हाँ बाहर, 6 रन, चौथा छक्का लगता हुआ यहां पर पीयूष के बल्ले से। फिर मैं अलंकर गौतम आपके सामने हूँ। अनमोल कप ऑल इंडिया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और आज हमारे बीच जो मुख्य अतिथि दीर्घ है उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं पिता पुत्र की जोड़ी, हमारे सुजानपुर के लंकेश लॉयन इंजीनियर अजय महाजन बिट्टू जी और साथ में उनके सुपुत्र अजंश महाजन अंशु हमारे बीच हैं। इस टूर्नामेंट में हर वर्ष महाजन परिवार का बड़ा महत्वपूर्ण और रचनात्मक योगदान होता है। अंशु से हम बात करेंगे। अंशु स्वागत है आपका, 14वां अनमोल कप है, आप काफ़ी युवा हैं, खुद क्रिकेट खेलते होंगे, क्या कहना चाहेंगे अनमोल कप के लिए? सबसे पहले तो मैं अनमोल क्लब जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है, इनका 14वां टूर्नामेंट का लास्ट क्वार्टर फाइनल है, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं इनकी सारी कमेटी मेंबर्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म को बिल्डअप किया है, बहुत अच्छे लेवल पर लेके आए हैं। स्पेशली इनके प्रधान को, लाइफ टाइम प्रधान को और चेयरमैन जी को मैं बहुत बहुत ज़्यादा बधाई का पात्र समझता हूँ और मैं चाहूँगा कि ये हर साल इससे भी ज़्यादा आगे से आगे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और बढ़िया करें और जहाँ पे भी इनको हमारे योगदान की ज़रूरत है हम इनके साथ हैं, हर जगह खड़े हैं। धन्यवाद अंशु। सुजानपुर के लंकेश हमारे बीच लॉयन इंजीनियर अजय महाजन जी हैं। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप, क्योंकि रामलीला जो सबसे पुरानी रामलीला है उसमें रावण का जीवन चरित्र निभाते हैं और अगर रामायण को हम देखें तो खेल में और रामायण में काफ़ी समानताएं हैं। रामचंद्र जी ने भी सबसे संपन्न घराने से थे, जब उन्हें वनवास हुआ था तो जब रावण के साथ युद्ध करना था तो उन्होंने वंचितों को चुना था, खेल में भी ऐसा ही होता है। किस तरीके से आप खेल का यानी कि अध्यात्म का और खेल का मिश्रण करते हैं? बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा है कि अध्यात्म का खेल के साथ मिश्रण। सर ऐसे है कि दोनों ही अपने चीज़ों में बड़ी निष्ठा रखने पड़ती है। अध्यात्म में जब तक मन से, लगन से नतमस्तक होकर भगवान को ना ध्याएं तो उसकी प्राप्ति असंभव है। ऐसे ही खेलों में भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सच्ची लगन के साथ जो लड़के खेलते हैं वो ही अपना, अपने माता पिता का, अपने सूबे का, अपने देश का नाम ऊंचा कर पाते हैं। और जहां तक आपने बात कही भगवान श्री राम जी की, तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उनका कोई जवाब नहीं। उन्होंने वनों में जाकर, वनवास में जाकर बानरों को इसलिए चुना रावण से युद्ध करने के लिए कि रावण में बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया था कि वो सोचता था कि मुझे कोई मार नहीं सकता। तो उन्होंने कुछ ऐसी रचना रची, ऐसी विधि रची कि जिनको वो तुच्छ समझते थे राक्षस जाति,
उनको तुच्छ समझते थे बानरों को कि बानर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, और बानरों से ही अकेले अकेले करके रावण के सभी जोधा मरवा डाले, जहाँ तक कि हनुमान जी गए और अंगद जी गए, उन्होंने भी जाके लंका में रावण को ललकारा और उनके घमंड को तोड़ा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे हमारे माननीय मुख्य अतिथि लॉयन इंजीनियर अजय महाजन बिट्टू जी। लास्ट टाइम प्रेसिडेंट सरदार जसपाल सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? वैसे कहने के लिए तो हमारे लिए आप लोगों ने कुछ छोड़ा है नहीं, बहुत बहुत अच्छा आपने सभी को बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा बताया। और हम अजय अंश महाजन जी जो हमारे लॉयन इंजीनियर अजय महाजन जी के सपुत्र हैं, जिन्हें के इनके अंश हैं, अजय अंश का मतलब होता है अजय का अंश है। और हम अपने अनमोल क्रिकेट टीम की तरफ से, हमारे अनमोल स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने आकर हौसला अफजाई किया और मैच भी देखा, और हम यही चाहेंगे कि ऐसे युवा व्यक्ति है और हर साल इसी तरह जब तक ये गेम रहे हमारा हौसला अफजाई करते रहें। इनका आने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे लाइफ टाइम प्रेसिडेंट सरदार जसपाल सिंह जी। हमेशा जितने भी अतिथि आते हैं उनको व्यक्तिगत तौर पे उनका धन्यवाद देते हैं, जो एक प्रेसिडेंट का जो कर्तव्य होता है उससे ऊपर बढ़ के काम करते हैं। और जिस तरीके से लॉयन इंजीनियर अजय महाजन जी ने एक अच्छा अध्यात्म और खेल का मिश्रण बताया कि दोनों जगह जो है डेडिकेशन चाहिए, समर्पण की भावना चाहिए, और वास्तव में कोई भेदभाव नहीं होता है किसी भी, ना अध्यात्म में ना खेल में, किसी के लिए भी, ना ऊँच नीच, ना आर्थिक आधार पर। तो बड़े अच्छे अपने विचार प्रकट करें। सीनियर रिपोर्टर लकी सरोज के साथ मैं अलंकार गौतम, टुडेज हेडलाइंस। विक्टोरिया स्टेट पठानकोट में खुल गया है डिस्काउंट वेयर हाउस शोरूम, जहां पर आपको मिलेंगे ब्रांड शूज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम एंड किचन अप्लायंसेस, वो भी 50% डिस्काउंट पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम टू डिस्काउंट वेयर हाउस, बेस्ट प्राइस एनीवेयर, डिफेंस रोड विक्टोरिया स्टेट पठानकोट।